भाजपा जो कह रही है 400 पार के नारे उनके जो लगाए जा रहे हैं, ये जनता को गुमराह कर रहे हैं। आज 10 साल शासन के बाद आपको हिंदू मुसलमान करना पड़ रहा है, आपको धर्म के नाम पर वोट मांगने पड़ रहे हैं, ये बौखलाहट है। और इनकी स्थिति 400 के पार अगर होती, इनके नेता दौड़ा दौड़ा के भगाए जा रहे हैं गाँव से, थप्पड़ मार के भगाए जा रहे हैं। अगर इन्होंने इतना काम किया होता इनके नेताओं ने, तो आज जनता इनको दौड़ाती नहीं। अभी तो जनता इनके नेताओं को दौड़ा रही है। देखिएगा कि जिस दिन जब वोट पड़ने लगेगा तो जनता एकदम खदेड़ देगी, वोट के माध्यम से इनको भगा देगी, साफ कर देगी एकदम भाजपा को। इनके यहाँ बहुत राम राज्य है। कौन सा राम राज्य है? कंगना रनौत की तरह आप बात करने लगी कि 2014 के पहले दसवें नहीं था, इस देश में कुछ था ही नहीं। अरे गजब है आप। अभी आप जाएंगी, मोदी जी का शौचालय भी दिखलाएंगी। हमने यूनिवर्सिटी बनाई, आप लोग जैसे लोगों को पत्रकार बनाया, हम इसकी ये बात करेंगे कि हम इनके शौचालय की बात करेंगे। 30 करोड़ लोगों को भिखमंगा बनाकर श्रेणी में खड़ा कर दिया है मोदी ने, और बड़े गर्व से निर्लज्जता से कहता है भाजपाई 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं, इससे बड़ी निर्लज्जता क्या हो सकती है। अरे निर्लज्जो, आप ये बताओ देश को कि आपने अपने 10 साल के शासन काल में कितनी कल कारखाने फैक्ट्री बनवाई है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। चुनाव की तारीखें बेहद करीब आ चुकी हैं। लोकसभा चुनाव के लिए और जीत के लिए हर तरीके से प्रत्याशी अपने अपने हाथ पैर मार रहे हैं। वहीं पार्टियों की बात करें तो कुछ जगहों पर प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं जो अपने चुनाव प्रचार में हैं। कई जगहों पर अभी तक घोषणा नहीं हुई है और अभी तक जो है नाम जो है गुप्त रखे गए हैं। और इसको लेकर कई बार ये भी देखने को मिलता है कि पार्टियों में आपस में कार्यकर्ता नाराज भी दिखते हैं। इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है शशि उपाध्याय। क्या कहेंगे, पार्टी में एक तो सीट बंटवारे को लेकर उत्तर प्रदेश में जो है कांग्रेस में नाराजगी दिखने को मिल रही है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जो गठबंधन हुआ है समाजवादी पार्टी से और कांग्रेस पार्टी का जो अलायंस हुआ है इंडिया गठबंधन का, क्योंकि शीर्ष नेतृत्व का जो निर्णय है वो मान्य है। गठबंधन में कार्यकर्ताओं का ये मानना है कि कुछ जल्दीबाजी हुई, इस पर और वार्ता करने की ज़रूरत थी। समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी के लीडरों को बैठना चाहिए था। मतलब जितने सीट मिले उस पर आप खुश नहीं हैं? नहीं, हमारे खुश होने से देखिए क्या है, हमारे खुश होने से नहीं, जैसे हमारी लोकसभा है चंदौली, हमारे यहाँ इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी को गई है, हम लोग सारे लोग काम कर रहे हैं, सारे लोग मिलकर अपने प्रत्याशी, वहाँ वीरेंद्र सिंह जी प्रत्याशी हैं इंडिया गठबंधन के, पूरे कांग्रेस के लोग वहाँ मेहनत से उनके। लेकिन कहने का तात्पर्य है ये है कि चूँकि कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी के साथ साथ पूरे देश में उसका अपना एक संगठन है, और चुनाव तो हर 5 साल के बाद आते जाते रहते हैं, लेकिन हमको चुनाव के साथ साथ अपने संगठन को भी दृष्टिगत करना पड़ेगा। और कुछ हमारे यहाँ सीट और बढ़ाई जा सकती थी, जैसा कि अभी आपने देखा कि अखिलेश यादव जी भी कई सीटों पर प्रत्याशी बदल रहे हैं। अगर वो संतुष्ट होते तो अभी जैसा कि मेरठ में आपने देखा 3-3 प्रत्याशी बदल दिए गए। तो उनकी रणनीति है, वो तैयारी है चुनाव की, वो जो भी कर रहे हैं ऐसे तो कर नहीं रहे होंगे, कुछ तो तैयारियां होंगी। देखिए देखिए, हम अखिलेश यादव पे ही नहीं कर रहे हैं, हम अपनी पार्टी की बात भी करेंगे आपसे कि जैसे सीतापुर सीट थी, सीतापुर की सीट को पहले नकुल दुबे को दिया, फिर कुछ दिनों के बाद उस सीट को बदल दिया, एक भाजपा से आए हुए नेताजी थे उनको थमा दिया गया, राठौर जी को ही हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि आप गठबंधन जितना भी सीटों पर पार्टी, चूंकि पार्टी का निर्णय है किया है, लेकिन आप पहले विचार विमर्श कर लो कि किस प्रत्याशी को हमको वहाँ मजबूती के साथ लड़ाना है। बार बार टिकट बदलने, सीट बदलने से कहीं ना कहीं जनता के बीच में एक निगेटिव संदेश भी जाता है। अब जैसा हमारे यहाँ कई ऐसी सीटें थी, हमारे यहाँ कई ऐसे नेता हैं जो कहीं ना कहीं अंदर से वो दुखी भी हैं कि जो बड़े नेता उत्तर प्रदेश के थे कि उनकी सीट नहीं मिल पाई, तो ऐसी स्थिति में यह है। लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है, आज जनता और सारे इंडिया गठबंधन के लोग बस एक लड़ाई लड़ रहे हैं कि भाजपा के विरुद्ध लड़ाई मजबूती से लड़ना है और 2024 में भाजपा को चुनाव हराना है। जनता भी बना चुकी है, तो आ रही है 400 पार के नारे के साथ। देखिए एक चीज बताएं आपसे, भाजपा जो कह रही है 400 पार के नारे उनके जो लगाए जा रहे हैं,
ये जनता को गुमराह कर रहे हैं भाजपा के लोग। अगर 400 पार अगर आता, अगर इतना उन्होंने जनता का काम किया होता तो हमको लगता है कि इस तरह का भी, अभी आपने देखा कि चुनाव आयोग ने अभी FIR हुआ है मोदी जी के ऊपर आचार संहिता के उल्लंघन में। कौन क्या जरूरत है आपको? अगर आपने जनता में इतना काम किया है, जनता को इतना खुश किया है, तो आप एक ढंग से, एक अनुशासित तरीके से, जो लोकतंत्र की अपनी एक मर्यादा है, उस मर्यादा के तहत जनता के बीच में जाते। कहीं ना कहीं आज 10 साल शासन के बाद आपको हिंदू मुसलमान करना पड़ रहा है, आपको जातियों से जातियां लड़ानी पड़ रही हैं, आपको राम के नाम पर, आपको धर्म के नाम पर वोट मांगने पड़ रहे हैं, तो ये बौखलाहट है। और चूंकि जनता ने इनके मन मस्तिष्क को पढ़ लिया है, समझ लिया है, इस बार जनता जो वोट करने जा रही है मोदी जी को एहसास नहीं होगा, भाजपा को एहसास। बात कर रहे हैं, आपके कार्यकर्ता खुद कांग्रेस में खुश नहीं है और इसीलिए सवाल उठ रहा है, आप अपने कार्यकर्ताओं को तो खुश कर नहीं पा रहे, जनता को कैसे करेंगे? 1,26,000 लोगों ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाइन किया, नरोत्तम मिश्रा का दावा है ये। आप एक चीज बता दें, नरोत्तम मिश्रा का क्या दावा है? नरोत्तम मिश्रा का दावा अपना करें आप तो 1,00,000 या भाजपा के कांग्रेस के नेताओं को ही तो बात आपने कर दिया, लेकिन मैं आंकड़ा आपसे पूछना चाहता हूं कि भाजपा के कितने लोग अभी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किए, इसको तो आप नहीं बता पाएंगी। अभी, तो आप अभी परसों दिन ही हरियाणा में, परसों दिन हरियाणा में उनके बहुत बड़े नेता, यही हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में उन्होंने कई MLA के साथ ज्वाइनिंग किया, कई सांसद उनके ज्वाइन, अभी और इनकी स्थिति 400 के पार अगर होती तो आप तमाम तरह के जो सोशल मीडिया पे वीडियो आ रहे हैं, इनके वीडियो की बात, इनके नेता दौड़ा दौड़ा के भगाए जा रहे हैं गांव से। हाँ। अभी पंजाब की मैं वीडियो देख रहा था, थप्पड़ मार के भगाए जा रहे हैं। अगर इन्होंने इतना काम किया होता इनके नेताओं ने, तो आज जनता इनको दौड़ाती नहीं, अभी तो जनता इनके नेताओं को दौड़ा रही है। देखिएगा कि जिस दिन जब वोट पड़ने लगेगा तो जनता एकदम खदेड़ देगी, वोट के माध्यम से इनको भगा देगी, साफ कर देगी एकदम भाजपा को। जनता के अंदर भूख को लेकर, महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, जनता में अपने सुरक्षा को लेकर आज भाजपा, आपका आप अभी कहेंगे, आप ही जैसे पत्रकार ये पूछते हैं कि कहते हैं कि इनके यहाँ बहुत राम राज्य है, कौन सा राम राज्य है? यहाँ अभी मैं बनारस का रहने वाला हूँ, आपको बताऊँ कि अभी 2 दिन पहले आपने भी देखा होगा कि भाजपाई गुंडे, संघी गुंडे थाने में घुसकर दरोगा के साथ बदतमीजी की है, उसकी वीडियो वायरल हुई है। तमाम रोज महिलाओं के साथ उत्तर प्रदेश में नंगा नाच हो रहा है। हाँ, ये निर्लज्जता है मीडिया की कि मीडिया जो है इसको दिखलाती नहीं है, वो चरण चुम्बन करने में लगी है भाजपा की। और एक चीज और बता दें कि आज नहीं कल, अभी तो भाजपा के नेताओं की वो दुर्दशा हो रही है, दौड़ा रही है जनता। ये माइक लेकर आप लोग भी जनता में जाओगे ना, तो वो कल आपको भी सामना करना पड़ेगा जनता के गुस्से का। जनता कह रही है कि मोदी सही है, कल ही गए थे। नहीं, कहाँ गई थी आप बताइए ना। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जाकर हमने पूछा, चैनल पर वीडियो मिल जाएगा आपको। जनता कह रही है कि मोदी जो कर रहा है ठीक है। आप लोग एकदम स्क्रिप्ट तैयार रहती है, सिर्फ भाजपा के लोगों के बीच में ही जाकर डिबेट करते हैं। रेलवे स्टेशन पे भाजपा के लोग कहां से हो जाएंगे? आप पहले से तय करते हैं, आप लोग यही करते हैं कि पहले से तय कर लेते हैं। और यही आप ही के साथ नहीं है, यह तो मोदी जी के साथ भी पहले। रेलवे स्टेशन पर अगर आप जाएं, वहां पूरे भारत के लोग आपको दिखाई देंगे जो यात्रा कर रहे होते हैं, आने जाने के लिए ट्रेन की वेट कर रहे होते। आप एक चीज जान लीजिए, यह चुनाव चल रहा है, संघ के एजेंट जगह जगह बैठा दिए गए हैं, जगह जगह, उनको स्टेशन नहीं, उनको शौचालय तक बैठाया गया है। अभी आप जाएंगी मोदी जी का शौचालय भी दिखलाएंगी, वहां चाटो संगी बैठे मिल जाएंगे, उस शौचालय का गुणगान करने लगेंगे, शौचालय की गुणवत्ता बताएंगे। तो इस तरह का जो ये माहौल बन रहा है आम जनता के बीच में, आप कतई नहीं जाते हैं। ये माहौल आप क्यों नहीं बना पाते? कांग्रेस क्यों नहीं बना पाती? इंडिया गठबंधन क्यों नहीं बना पाते? हम कांग्रेस के लोग शौचालय की गुणवत्ता बताएंगे? हम बताएंगे तो इस देश में बताएंगे कि हम सबने बनाया। हमने यूनिवर्सिटी बनाई, हमने आप जैसे लोगों को यूनिवर्सिटी बनाकर पढ़ाया लिखाया, और पढ़ाने लिखाने के बाद आप लोग जैसे लोगों को पत्रकार बनाया। हम इसकी ये बात करेंगे कि हम इनके शौचालय की बात करेंगे, हम तुष्टिकरण की बात करेंगे
कांग्रेस का कल्चर ये नहीं है। आपको नहीं लगता शौचालय होना चाहिए देश में? शौचालय होना गलत है? इसके पहले शौचालय नहीं था क्या? मतलब यही आप तो ऐसा फिर मतलब एकदम यही आप कंगना रनौत की तरह आप बात करने लगी कि 2014 के पहले दसवें नहीं था, इस देश में कुछ था ही नहीं। अरे गजब है आप, शौचालय पे बात कर रहे हैं, शौचालय होना गलत है। अरे महाराज पेट में पहले भूख इसमें अन्न डालोगे तब उसके बाद शौच की बात करना। हाँ। यहाँ भूख लगी है 80 करोड़ लोगों को, ये तो रहे है राशन। 80 करोड़ लोगों को भिखमंगा बनाकर श्रेणी में खड़ा कर दिया है मोदी ने। और बड़े गर्व से निर्लज्जता से कहता है भाजपाई कि 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं, इससे बड़ी निर्लज्जता क्या हो सकती है? 80 करोड़ लोगों को इस देश में, जिस देश में सुई नहीं बनती थी, जिस देश में कुछ नहीं था जब आजादी मिली है, उसके बाद पंडित नेहरू के नेतृत्व में इस देश में भाखड़ा नांगल जैसे बांध बने, इस देश में तमाम शिक्षण संस्थाएं बनी, इस देश में रेलवे स्टेशन बने, इस देश में एयरपोर्ट बने, इस देश में आप ये आपको एक चीज और बता दें कि ये वही देश है जहां पर शिक्षण के लिए कहां कहां लोगों को जाना पड़ता था, आज विदेश के लोग शिक्षा लेने के लिए भारत आते हैं। यह काम कांग्रेस ने किया है। हम शौचालय की गुणवत्ता नहीं गिनाएंगे, शौचालय तो एक व्यवस्था है, वो जो मतलब कि मनुष्य के जीवन से जुड़ा है, वो रोज करना है। आप 80 करोड़ लोगों को भिखमंगा बनाकर निर्लज्जता से आप कहते हो कि 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहा हूँ। अरे निर्लज्जो, आप ये बताओ देश को कि आपने अपने 10 साल के शासन काल में कितनी कल कारखाने फैक्ट्री बनवाई है, कितने लोगों को उसमें नौकरी दिलवाया, कितने की सफल बैठक बता रहे हैं लगातार। कौन सा, मैं बनारस का रहने वाला हूँ, हमारे ही क्षेत्र से मोदी जी आते हैं, वहीं से सांसद थे। G20 से क्या मिला है देश को? थोड़ा हमको आपसे प्रश्न कर रहा हूँ कि G20 से क्या मिला है देश को? हम सफल बैठक हुई, इंडस्ट्री लगेगी आने वाले, कब आएगी, कब आएगी? 2048 में आएगी। तो वही तो कह रहे हैं मोदी जी, तीसरे टर्म मिला नहीं, नहीं, नहीं। आप देखिए, आप लोग भी, आप निवेदन कर रहा हूँ आप लोगों से, पत्रकार बंधुओं से, कि आप लोग इस देश को बर्बाद होने में अपनी जो भूमिका निभा रहे हैं, पत्रकार भूमिका एकदम, इस देश को बर्बाद करने में आप लोग जो भूमिका निभा रहे हैं, कल यह देश आपसे पूछेगा क्या भूमिका निभा रहे हैं। आपसे सवाल, सच्चाई आप सच्चाई नहीं रखते हैं, सच्चाई आप रखते हैं आज मोदी जी जो कह रहे हैं वही तो हम आपको बता रहे हैं। आप बताइए कि 2014 में इस देश के ऊपर कितना कर्ज था, आज मोदी जी के नेतृत्व में कितना कर्ज हुआ, इसको कभी आप दिखलाते हैं चैनल पे अपने? बिल्कुल दिखाते हैं। कहां दिखलाते हैं? अरे आप चैनल नहीं, मैं आपसे पूछा कितना, आज 1.5 लाख करोड़ से ऊपर ज्यादा कर्ज हो चुका है देश के ऊपर, नहीं इसको नहीं दिखलाएंगे। मोदी जी कहते हैं विकास में पैसे खर्च। आप लोग मणिपुर में जब महिलाएं नंगी करके घुमाई जा रही थी, मणिपुर के में आज भी स्थिति वहां बड़ी नाजुक है। अरे चैनल बंद हो रहे हैं महाराज, आप कहां बात कर रहे हैं, इसी मोदी जी के चक्कर में चैनल हमारा बंद। हाँ अब आइए कि आप नहीं, चैनल क्यों बंद हो रहे हैं, चैनल क्यों बंद, क्या नहीं, हमने खबरें दिखाई। हाँ तो खबरें जब दिखलाई जो सच्चाई के राह पर चलेगा तमाम कठिनाई आएंगी आएंगी, और आप लोग इस चीज को दिखलाते रहिए। मैं दावा कर रहा हूँ कि 2024 में अगर सरकार बदलेगी राहुल जी के नेतृत्व में, माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व, एक एक चीज का जांच होगा। आप इस भ्रम में न रहें, हमारे नेता ने कह दिया है कि भाजपा इस भ्रम में न रहे। सबसे बड़ी बौखलाहट तो उनकी यही है, सबसे बड़ी बौखलाहट उनको सत्ता जाने का बहुत गम नहीं है, बौखलाहट यह है कि 2024 में जब सरकार बदल जाएगी और 10 बरस तक इन लोगों ने जो इस देश के साथ कुकर्म किया है, जितने घोटाले किए हैं, जनता का इन्होंने गाढ़ी कमाई को जिस तरीके से इन लोगों ने चूसा है, एक एक चीज की जांच होगी। और उसमें न मोदी जी बख्शे जाएंगे, न अमित शाह बख्शे जाएंगे, ये बात वो जान रहे हैं। तो आपने सुना, इन्होंने काफ़ी अच्छे से बता दिया किस तरीके से यूपी का काम माहौल है। और चलिए तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में क्या कुछ माहौल है वो हमने जानने की कोशिश की, और बनारस की सांसदीय क्षेत्र में मोदी बनाम किन्नर समाज हो गया है, और ये कितना मुश्किल होगा मोदी के लिए लड़ना, प्रधानमंत्री के लिए लड़ना और वहाँ से जीतना, ये आने वाला समय बताएगा। ये बेहद दिलचस्प होगा देखना। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी ग्रीन, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।